नमस्कार। घर में ऐसा समय कभी न कभी ज़रूर आता है जब सब्जियों के नाम पर केवल प्याज ही बची रहती है। आज हम इसी प्याज की स्वादिष्ट सब्जी बनाना बता रहे हैं। इसके लिए चार बड़े साइज की प्याज छोटे टुकड़ों में कटी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च, सरसों, नमक, इमली, हींग, साबुत लाल मिर्च एक और तेल अपनी पसंद अनुसार। कढ़ाई स्टोव जलाकर गरम करें। इस बीच थोड़ी कड़ी पत्ता भी रख लेंगे। अब कढ़ाई में एक या दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर आधा चम्मच सरसों डालें। चटकने पर मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे और इसके बाद हींग डालें। थोड़ा चलाकर प्याज भी डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ ध्यान यह देना है कि प्याज तेज आंच पर चलाएं, बीच में थोड़ा धीमा करते रहें। इससे प्याज जल्दी सूखेगी और रंग भी अच्छा देगी। इसमें ढक्कन नहीं लगाना है। हींग के विषय में बताना चाहेंगे, यहाँ हमने जो हींग डाली है वह डली वाली है, यह कम मात्रा में डाली जाती है क्योंकि यह स्वाद में तेज होती है। पाउडर वाली हींग डाल रहे हैं तो 1/4 चम्मच हींग डालें। अब करीब 2-3 मिनट चलाएंगे। भूनने से प्याज की मात्रा करीब आधी रह जाती है और इस कारण नमक डालने का अंदाज सही रहता है। अब इसमें आधा चम्मच नमक और आधा या 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। करीब 1 मिनट चलाने के बाद इसमें इमली जो मसल कर तैयार की हुई रखी है, अंदाज से अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। प्याज भूनने के बाद स्वाद में मीठी हो जाती है, इस कारण जब हम इमली डालते हैं तो स्वाद में खट्टमीठापन आ जाता है। प्याज 1-2 मिनट और चलाएंगे। प्याज की मात्रा कम होने के साथ इसका रंग भी बदल जाता है, लाल बादामी रंग का हो जाता है। अब यह लगभग बनकर तैयार हो गई है। इसे चावल या रोटी के साथ खाएं। या ब्रेड में लगाएं। यह देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट लगेगी। इसके पराठे भी बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।